लास्ट वीडियो में हमने UNCRC के पार्ट 1 के बारे में बात की थी, जिसमें चाइल्ड राइट्स डिस्क्राइब किए गए हैं। इसी पार्ट के आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि इन चाइल्ड राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट पार्टी अपने ज्यूरिसडिक्शन में यानी अपनी कंट्री में एप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेगी। इसका मतलब ये है कि लॉज बनाएगी और उन लॉज को इफेक्टिव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्रिएट करेगी। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जहां तक इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स का सवाल है, तो इन अधिकारों को बच्चों तक पहुंचाने के लिए हर देश अपने उपलब्ध साधनों के हिसाब से हर संभव प्रयास करेगा। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि एक देश के अवेलेबल रिसोर्सेज दूसरे देश से अलग हो सकते हैं, एक देश की कल्चरल और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस दूसरे देश से अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपिंग कंट्री के इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्री से अलग हैं। तो यहाँ पर UNCRC जो एक इंटरनेशनल लॉ है, वो एक फाउंडेशन या सोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पर स्टेट पार्टी को अपनी कंट्री में नेशनल लॉज बनाने हैं, ताकि चाइल्ड राइट्स को उस कंट्री में लोकल अथॉरिटीज के थ्रू लोकल कोर्ट्स में एनफोर्स किया जा सके। और यहाँ कोशिश यही होनी चाहिए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अचीव करना है। अब इसके लिए चाहिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि स्टेट पार्टीज अपने नेशनल प्लान में इस सब्जेक्ट को जगह दें, ताकि रेगुलरली ये असेस किया जा सके कि जो मेजर्स लिए गए हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। UNCRC के पार्ट 2 में 42 से लेकर के 45 तक आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 42 में ये कहा गया है कि स्टेट पार्टी अपने यहाँ इस कन्वेंशन के प्रोविजंस को पब्लिसिटी दे, लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, अब वो चाहे बड़े हों या बच्चे, क्योंकि इस कन्वेंशन के प्रोविजंस का इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट और सोसाइटी के कंबाइंड एफर्ट से ही पॉसिबल है। आर्टिकल 43 से लेकर के 45 तक मॉनिटरिंग कमिटी के बारे में प्रोविजंस हैं। मेंबर कंट्रीज में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए एक मॉनिटरिंग कमिटी बनाई गई थी, जिसे नाम दिया गया UN कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इस कमिटी में 18 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, जिनका काम होता है स्टेट पार्टी की परफॉर्मेंस को एग्जामिन करना। स्टेट पार्टी की गवर्नमेंट को इनिशियली 2 साल में एक बार और उसके बाद हर 5 साल में एक बार अपनी रिपोर्ट इस कमिटी को सबमिट करनी होती है, जिसमें ये लिखा जोखा देना होता है कि क्या मेजर्स लिए गए, क्या फैक्टर्स इम्पोर्टेंट रहे, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। इसके अलावा UN कमिटी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs और यूनिसेफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन से भी असिस्टेंस और रिपोर्ट रिसीव कर सकती है, और इन रिपोर्ट्स के रिव्यू के बेसिस पर स्टेट पार्टी को इम्प्रूवमेंट के लिए रिकमेंडेशंस इशू कर सकती है। ये रिकमेंडेशंस स्टेट पार्टी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, इसको अगली रिपोर्ट में रिव्यू किया जाता है। इस कन्वेंशन के पार्ट 3 में 46 से लेकर के 54 तक आर्टिकल्स हैं, और इन आर्टिकल्स में इस ट्रीटी के रेटिफिकेशन, एक्सेशन, अमेंडमेंट्स, डिनंसिएशन और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जरूरत के साथ इस कन्वेंशन में एडिशनल 3 एग्रीमेंट्स ऐड किए गए। ये तीनों ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स हैं, इन्हें रेटिफाई करना स्टेट पार्टीज की अपनी चॉइस है। पहला प्रोटोकॉल ये कहता है कि स्टेट पार्टी की आर्म्ड फोर्सेस में रिक्रूटमेंट के लिए या कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के लिए एक व्यक्ति की मिनिमम उम्र 18 साल होनी चाहिए। एक्चुअली ओरिजिनल ट्रीटी में पार्ट 1 में आर्टिकल 38 के तहत ये उम्र 15 साल दी गई है, इसे बढ़ाकर इस प्रोटोकॉल में 18 किया गया है। दूसरा प्रोटोकॉल ये कहता है कि स्टेट पार्टी बच्चों की सेल यानी कि खरीद फरोख्त को रोके, अब चाहे ये सेल सेक्सुअल पर्पजेस के लिए की जा रही हो या फिर ऑर्गन डोनेशन या इलीगल अडॉप्शन जैसे पर्पजेस के लिए, और जो भी इनमें इन्वॉल्व हो उन्हें पनिश किया जाए। प्रोटोकॉल 3 स्टेट पार्टी के बच्चों को डायरेक्टली यूनाइटेड नेशंस में अपनी कंप्लेंट प्रेजेंट करने का अधिकार देता है, अगर उन्हें लीगल रेमेडी उनकी अपनी कंट्री में अवेलेबल नहीं है तो। अब यहां मैं आपको ये बता दूं कि भारत ने पहले 2 प्रोटोकॉल्स को रेटिफाई किया है यानी ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है। चाइल्ड राइट्स वायलेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है चाइल्ड लेबर। ज्यादातर केसेस में ये बच्चे पहले अपनी ही फैमिली में निग्लेक्ट होते हैं, फिर ट्रैफिकर से अब्यूज होते हैं, फिर एम्प्लॉयर से एक्सप्लॉइट होते हैं, रेस्क्यू होने पर इंस्टीट्यूशंस में रखे जाते हैं, और उसके बाद जब फैमिली को रिस्टोर हो जाते हैं तो फिर वही पॉवर्टी का शिकार होकर
फिर कहीं और काम करते हुए पाए जाते हैं। सो इट इज अ विशियस सर्कल। ये सर्कल तभी तोड़ा जा सकता है जब इन बच्चों का सीनसियर रिहैबिलिटेशन किया जाए, और इसके लिए जरूरत है एक रॉबस्ट इंटर स्टेट सपोर्ट नेटवर्क की, क्योंकि जनरली ये बच्चे एक स्टेट से ट्रैफिक होकर दूसरे स्टेट में लाए जाते हैं, और इस स्टेट में जब रेस्क्यू हो जाते हैं तो इन्हें इनके नेटिव स्टेट में वापस भेज दिया जाता है, और यहाँ पर इनके केस की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जरूरी है। इनको इनकी फैमिली में रहते हुए ही हेल्प प्रोवाइड की जानी चाहिए। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस डायरेक्शन में अपने रिसोर्सेज चैनलाइज करे, और पूरी सोसाइटी को चाहिए कि इस इश्यू की तरफ सेंसिटिव बने। मैंने यूएनसीआरसी के टॉपिक को बहुत ही ब्रीफली दो वीडियोस में कवर करने की कोशिश की है, पर अब एक व्यूअर चाहते हैं कि मैं इसके आर्टिकल 9 को एक्सप्लेन करूं। ये आर्टिकल बच्चे के फैमिली राइट के बारे में है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसे जल्द ही अपने वीडियोज में कवर करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।